नमस्कार दोस्तों, मेडिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दांत खाज, खुजली, एक्जिमा के बारे में। अगर आपको ये समस्या हो रही है और आप दोस्तों दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हो, हर एक डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन आपको कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, एक बार इस ट्रीटमेंट को ट्राई करके ज़रूर देखना। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने इस ट्रीटमेंट को ट्राई किया हो तो दोस्तों 3 महीने के अंदर आपकी ये सारी समस्याएं जो भी चल रही हैं, सारी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। आपने हर जगह डॉक्टर को दिखाया होगा, बहुत से पैसे भी खर्च किए होंगे, लेकिन दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये ना तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको, नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है, और दोस्तों 3 महीने के अंदर आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, जड़ से आपकी ये समस्या ख़त्म होने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो मैं अपने ऑडियंस की डिमांड पर बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों का दोस्तों क्वेश्चन था और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो व्यूअर की डिमांड पर दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फार्मा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक्जिमा, चर्म रोग और दांत खाज, खुजली वगैरह जो भी समस्याएं हैं, एक्चुअल में होती क्यों हैं, तो दोस्तों इनका होने का जो मेन कारण होता है वो कि साफ़ सफाई को आप मेंटेन नहीं करते, और ये दोस्तों जो बीमारियां हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। तो या तो आप किसी व्यक्ति के संपर्क में चले गए हों जिनको ये बीमारी पहले से है, आपने उनसे या तो हाथ मिलाया हो, या फिर उनके कपड़े या फिर कुछ अन्य चीज़ें उनकी इस्तेमाल की होगी, या फिर आपने साफ़ सफाई मेंटेन नहीं की, इसलिए दोस्तों आपको यह चर्म रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका निदान क्या है। अभी तक हमने बहुत सी क्रीम ट्राई करी है, बहुत सी टेबलेट्स खाई हैं, कैप्सूल खाए हैं, लेकिन हमें अभी तक आराम नहीं मिला। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले, यदि कोई भी व्यक्ति को यह बीमारी होती है, ये एक्जिमा वगैरह हो जाता है या फिर खाज खुजली होती है, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, या तो डॉक्टर के पास जाता है या फिर किसी मेडिकल स्टोर पर चला जाता है। अब मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद डायरेक्ट क्या बोलता है, भैया ये दाद है, दाद का क्रीम दे दो। और दोस्तों मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, कोई सा भी क्रीम उठाकर दे देते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर क्रीम में क्या पाया जाता है, स्टेरॉइड पाया जाता है। अब व्यक्ति जब स्टेरॉइड वाली क्रीम को यूज़ करता है, क्रीम लगाने के बाद उसकी क्या ये समस्या खत्म हो जाती है, अब उसे लगता है कि समस्या खत्म होगी, लेकिन दोस्तों समस्या खत्म नहीं होती, वो दब जाती है वहाँ पे। मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है और फिर 15 से 20 दिन बाद ये समस्या डबल से उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है जो आप क्रीम यूज़ करते हो वो स्टेरॉइड वाली क्रीम होती है। अब स्टेरॉइड का क्या काम होता है, किसी बीमारी को दबाना, मतलब जड़ से ख़त्म नहीं होती और दब जाती है, जिसके बाद आप 15 से 20 दिन बाद फिर वो एक्टिव हो जाती है, जो बॉडी के अंदर दब जाती है उसके बाद वो डबल से एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होने के बाद फिर आप क्रीम लगा लेते हो फिर वो दब जाती है, ऐसी प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। तो आपको करना क्या है, समस्या को दबाना नहीं है, समस्या को जड़ से गंवाना है। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको स्टेरॉइड क्रीम नहीं लगाना है, आपको कोई सा भी ड्रग जो यूज़ कर रहे हो आप क्रीम में वो प्लेन लगाना है, प्लेन वाला, जिसके अंदर केवल एक ही ड्रग हो और वो स्टेरॉइड ना हो। केटोकेनाजोल लगा सकते हो आप, ये वो किसी भी कंपनी की हो चाहे, ड्रग देखना आपको उसमें क्या होना चाहिए, केटोकेनाजोल सबसे पहला काम आपका होगा, केटोकेनाजोल क्रीम का इस्तेमाल करना। दूसरे नंबर पर हम बात करें, आपने सेट्रिजिन खाई होगी, लिवोसेट्रिजिन खाई होगी, आईटीमैक खाए होंगे, तो दोस्तों आपने खाए ज़रूर होंगे लेकिन सही खाने का तरीका क्या है ये आपको नहीं पता। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपने आईटीमैक कैप्सूल खाए होंगे, यानी कि इट्राकेनाजोल आपने खाए होंगे, मैं मानता हूँ आपने ज़रूर खाए होंगे, और खाए होंगे 200 mg के, और दिन में केवल एक बार आपने इसका यूज़ किया होगा। अब आप बोलोगे तो हमने खा चुके हैं फिर डबल से क्यों बता रहे हो, तो दोस्तों खाने का तरीका आपको मैं बता दूँ, आप आईटीमैक 200 के मत खाओ, केवल दोस्तों 100 mg के आईटीमैक कैप्सूल खाओ, और ये सुबह शाम कर लो आप एक एक, ये लगभग आपको 90 डेज यूज़ करना है। लंबा ट्रीटमेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समस्या आपने बढ़ा ली है, तो आपको समस्या को जड़ से ख़त्म करना है, और किसी प्रकार की समस्या जड़ से ख़त्म होने में समय लगाती है, और दिन में 3 बार आपको जहाँ पर अब आपको खाज खुजली एक्जिमा वगैरह हुआ है वहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेन करके केटोकेनाजोल क्रीम का यूज़ करना है, है ना। दिन में 3 बार आप लगा सकते हो इसको, सुबह शाम दोपहर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम टर्बिनाफाइन 250 mg की टेबलेट, टर्बिनाफाइन आपको लेना है 250 mg वाली, और ये लेना है आपको रात में सोते समय, का डेली यूज़ करना है आपको रात में। तुरंत तो इनसे
रिलीफ हमें मिलेगा नहीं, और उसमें क्या होगा, खुजली आएगी। जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है, ये दांत खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह का, तो उसमें आपको क्या होगा, खुजाल चलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिवोसेट्रिजिन टेबलेट लेना है। लिवोसेट्रिजिन आपको कब लेना है, दोपहर में एक टेबलेट डेली ले लेना है, जिससे कि इन्फेक्टेड जगह पर खुजली नहीं होगी। और आपको खुजली हो भी तो आपको खुजालना नहीं, क्योंकि दोस्तों आप जब भी आप उसे खुजालोगे तो आपके नाखूनों में वो जो भी कीटाणु वगैरह हैं, उनके अंडे वगैरह हैं वायरस के, वो एक जगह से दूसरी जगह लग जाते हैं, और उसी वजह से आपको यह समस्या फैल जाती है शरीर में। इसलिए आपको कभी भी इन्फेक्टेड एरिया को खुजालना नहीं है, और उसके लिए आपको क्या करना है, लिवोसेट्रिजिन टेबलेट खाना है दिन में एक, दोपहर में आप इसे ले सकते हो। अभी तक हमने बात करी दोस्तों, केटाकेनाजोल क्रीम लगाना है दिन में 3 बार, और दोस्तों सुबह शाम आईटी में कैप्सूल खाना 100 mg वाले, और टर्बिनाफाइन 250 mg आपको शाम को सोते समय ले लेना है, और लिवोसेट्रिजिन का उपयोग आपको कब करना है, दोपहर में। और दोस्तों यदि आपका पेट सही नहीं रह रहा है तो आपको पेंटोपेराजोल डोमपेरिडोन कैप्सूल का यूज़ करना है। ये कैप्सूल आप सुबह खाली पेट ले सकते हो, है ना, पेंटोपेराजोल एंड डोमपेरिडोन वाला कॉम्बिनेशन आपको ले लेना है सुबह खाली पेट। आपको ये कैप्सूल लेने से दोस्तों आपका पेट सही रहेगा, और जब पेट सही रहेगा तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो वैसे ही आपकी ठीक होने लगेगी। दोस्तों आप जब ये ट्रीटमेंट लोगे 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और यदि आपकी बीमारी ज़्यादा फैली नहीं है तो आपको 8 दिन में ही तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। और इस ट्रीटमेंट को आपको कंटिन्यू रखना है, यानी कि हमें बीमारी को दबाना नहीं, हमें जड़ से गवाना है। इसलिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू आपको रखना है, और ट्रीटमेंट पूरा लेने के बाद, ये जो ट्रीटमेंट आप पूरा कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये सायरप आती है दोस्तों साफ़ी, हमदर्द कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ये पूरी तरह से नेचुरल है दोस्तों। ट्रीटमेंट आप पूरा कर लोगे जिसके बाद आपको साफ़ी चलने देना है। दोस्तों साफ़ी के अंदर इंटरनल डिटॉक्स फार्मूला रहता है, जो कि आपके ब्लड को अंदर से दोस्तों यह साफ़ करती है, और जो भी ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपका पेट सही रहेगा, ब्लड आपका सही हो जाएगा, तो चर्म रोग जैसी समस्याओं से आपको आगे जूझना नहीं पड़ेगा, और ये समस्या को आप जड़ से गंवा दोगे। तो ये जो ट्रीटमेंट दोस्तों मैंने बताया है, ये ट्रीटमेंट आपको लेना है 100%। आपकी जो भी समस्या है, या तो दाद हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, सोरायसिस हो, ये सारी की सारी समस्याएं आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों मैं हूँ आनंद, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।